हेलो दोस्तों, मैं हूं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेकपिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई के जो एटीएम कार्ड है उसका जो है 4 डिजिट का एक पिन नंबर होता है। ठीक है, तो उस पिन नंबर को आप कैसे एटीएम मशीन पर जाकर जो है उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, चलिए हम लोग पिन और एटीएम कार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, एसबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से जो है समय समय पर आपको जो है एटीएम कार्ड का जो पिन होता है 4 डिजिट का उसको जो है आपको चेंज करना पड़ता है। ये किस लिए चेंज करना पड़ता है देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पिन चेंज करने के पीछे यही कारण है कि ताकि आपका जो एटीएम कार्ड है वो कोई हैक ना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप एटीएम मशीन पर जाते हैं रुपए निकालने के लिए या फिर जो है आप किसी दुकान पर जाकर जो है शॉप करते हैं तो उस वहाँ पर जो है आपको जो है पिन नंबर दबाना पड़ता है और वो जो पिन नंबर है वो किसी दूसरे बंदे उसको भी देख लेते हैं तो बाद में जाकर वो जो आपका जो अकाउंट है उससे जो है कोई आपका अकाउंट को हैक करके जो है पैसे निकाल सकता है। तो इसी वजह से जो है आपके जो अकाउंट है मतलब कि आपका जो पिन नंबर है अकाउंट से लिंक एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर होता है उसको चेंज करना पड़ता है समय समय पर। ठीक है, तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी। तो दोस्तों, इसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखिए एटीएम इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपना जो एटीएम है इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपको यह एटीएम वैलिड होगा। अभी देखिए ये वैलिड हो गया है, अभी स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर पहले पिन चेंज करने के लिए पहले आपको बैंकिंग पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कोई भी 2 अंक का जो नंबर है यहाँ पर टाइप कर दिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है। उसके बाद यस पर दबाइए और यहाँ पर जो अपना जो आपका जो पिन है उसको दबाइए, जो ओल्ड पिन है उसको दबाइए। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन चेंज ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो नया पिन नंबर आप बनवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर दें। दोबारा जो है री एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए अभी जो है एक रिसिप्ट निकल कर आ गया है और ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। तो यहाँ भी मेरा जो पिन है अभी सक्सेसफुली चेंज हो गया है एसबीआई का। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना पिन चेंज एसबीआई का। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।